हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल बी फाइन। माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस क्लास 5 चैप्टर 5 एंड टुडे वी हैव नॉट डिस्कस एनी टॉपिक, ओनली वी समराइज दिस चैप्टर बिकॉज द चैप्टर हैज फिनिश्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फ्री जोन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड आर मेजर वेजिटेशन जोन ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम। सो वी से दैट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इट मीन्स नियर द इक्वेटर द फॉरेस्ट एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज बिटवीन द आर्कटिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। इन दिस एरिया द टेम्परेट केस ग्रासलैंड आर मेजर वेजिटेशन जोन। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ड्यू टू दिस रीजन मोस्ट ऑफ द डे रेनफॉल रिसीव। द ग्रासलैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। इट मीन्स इन दिस रीजन द क्लाइमेट ऑफ द हेयर बोथ टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस समर हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। वाइल द ग्रासलैंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस मिल्ड क्लाइमेट। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर देर एक्सपीरियंस द मिल्ड क्लाइमेट। एंटीलोप्स, डियर, कंगारू एंड रैबिट्स आर सम एनिमल्स फाउंड इन द ग्रासलैंड। There are some animals who are found in the grassland are antelopes, deer, kangaroo and rabbits. Now, hot desert are areas lying in the freeze zone experience harsh climate condition. Hot desert and areas lying in the freeze zone. The desert which is lying in the freeze zone आर एक्सपीरियंसेस हार्श क्लाइमेट। इन जहाँ जलवायु कठिन है वहाँ रहना असंभव है। कैमल्स, स्कॉर्पियन एंड ऑस्ट्रिच आर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन द डेजर्ट। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। सम इम्पोर्टेंट एनिमल्स जस्ट लाइक कैमल्स, स्कॉर्पियन एंड ऑस्ट्रिच, दीज आर द फाउंड इन डेजर्ट। फ्रीज जोन एक्सपीरियंस सॉल्ट समर एंड वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स। इन द फ्रीज जोन इट मीन्स बोथ ऑफ जोन एक्सपीरियंसेज सॉल्ट समर एंड लॉन्ग विंटर। इन दिस रीजन देयर इज सम ग्रासेज आर फाउंड। मॉसेज, लिचेनहेंस एंड स्कैंटी ग्रासेज ग्रो ड्यूरिंग समर इन द फ्रीज जोन। So we say that, or we understand, these are the important things which we had already discussed about in the previous video. Now today we are summarizing this chapter. I think you all will be observe and subscribe this video. Okay, thank you.